हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से। जैसे मैं काफी बार बता चुका हूं कि अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे आप किसान कोटे का प्लॉट लेना चाहते हैं तो किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए बता देता हूं जिन्होंने किसान कोटे के बारे में पहली बार सुना या वो नहीं जानते हैं कि कौन से होते हैं किसान कोटे के प्लॉट। देखिए, जब अथॉरिटी मुआवजा देती है, जब जमीन एक्वायर करती है किसानों से, तो उनको कुछ पैसे देती है, यानी कि मुआवजा देती है, उसके साथ साथ उनको प्लॉट भी देती है जिसमें वो रह सके और कोई अपना काम कर सके। इसीलिए इन्हें 50% रेजिडेंशियल और 50% कॉमर्शियल प्लॉट बोले जाते हैं। तो इन्हीं को 7%, 6%, 5% किसान कोटे के प्लॉट बोलते हैं। जैसे आप नोएडा में देखेंगे, नोएडा एक्सप्रेसवे पे या नोएडा में कुछ जगह पे, तो वहां पे आपको 5% किसान कोटा के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप देखते हैं ग्रेटर नोएडा में, तो यहाँ पे आपको 6% किसान कोटे के नाम पे ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। और यमुना एक्सप्रेसवे पे यही प्लॉट 7% किसान कोटा के नाम से मिलते हैं। तो इन्हीं पे डिटेल से बात करेंगे। मैं पहले बताऊंगा कि अगर आप ये प्लॉट आपने सोच लिया है कि हाँ हमें ये प्लॉट खरीदने हैं, तो किस तरीके से आप खरीद सकते हैं। जैसे मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे किसान कोटे में ना तो ट्रांसफर है ना रजिस्ट्री है। जैसे कि सेक्टर 17 में, सेक्टर 16 में, वहां कोई प्लॉट खरीदते हैं अथॉरिटी का अगर आप, तो वो अभी ना तो वहां पे अभी रजिस्ट्री हो पाती है ना ही वहां पे अभी ट्रांसफर हो पाता है, तो वो प्लॉट आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप वो प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो एग्रीमेंट पे आप खरीद पाएंगे अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है। तो इसी तरीके से अगर आप किसान कोटे का प्लॉट खरीदना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो वो किस तरीके से खरीद सकते हैं। दो तीन चीजें हैं, वो पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। देखिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं 7% किसान कोटे का प्लॉट, तो वहां पे आपको दो तीन चीजों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा। या तो आप पर्सनली जिस किसान का प्लॉट खरीद रहे हैं उस किसान को जानते हो, तब आप ये डील कर सकते हैं, या आप डील करें जो वहां पे लोकल डीलर है। क्योंकि इसका एक रीजन है कि अगर आप लोकल डीलर के साथ डील करेंगे तो वो डीलर वहीं रहते हैं, उनको आप कभी भी जब भी किसान की जरूरत होगी, क्योंकि रजिस्ट्री इसमें बाद में होगी, जब मौके पे प्लॉट लग जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिल जाएंगे, तो उस टाइम पे रजिस्ट्री होगी, उस टाइम पे किसान की जरूरत पड़ेगी, तो लोकल डीलर जो है वो आपके साथ रहेगा, किसान को लेके आ सके, पूरी आपकी हेल्प कर सके। इसके लिए लोकल डीलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डील करेंगे जो लोग दिल्ली से, नोएडा में या कहीं भी बैठ के बाहर से डील कर रहे हैं किसान कोटे के प्लॉटों में, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कि मानिए आज डीलर नोएडा में है, दिल्ली में डील कर रहे हैं, यहाँ पे आज अच्छा बूम चल रहा है तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मानिए आने वाले कुछ टाइम बाद कहीं और पे इस तरीके का बूम आए तो वो वहां जाके डील करने लगे, आप कहाँ उन्हें खोजेंगे, किस एड्रेस पे आप पता करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, या तो किसान को आप जानते हो या लोकल डीलर के साथ आप डील करें। दूसरी बात हम करेंगे कि अगर आप ये प्लॉट खरीद रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या जानकारियां आपको इसकी होनी चाहिए। क्योंकि हमने जब हम कोई वीडियो डालते हैं किसान कोटे के ऊपर, तो काफी इस तरीके के कॉल आते हैं कि ये पेपर तो हमने कभी चेक ही नहीं किए, इसमें क्या होता है जी, क्या ये सर्च रिपोर्ट क्या होती है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होते हैं, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है पता। देखिए, सबसे पहले इनका एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं नक्शा 11। ये नक्शा 11 इस तरीके से ये अथॉरिटी से किसान को मिलता है पहला पेपर, जिसमें पूरा ब्यौरा होता है कि इनकी किस रेट से कितनी जमीन गई है और कितना इनको इसका मुआवजा मिला है, इसमें ये पूरा ब्यौरा होता है नक्शा 11। इसी से हिसाब लगाते हैं कि इनको 7% के हिसाब से कितना प्लॉट इनका बनता है, कितना प्लॉट इन्हें मिलेगा। ये सबसे फर्स्ट पेपर है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर भी है, आपके पास लिस्ट भी है, तो वो एक पक्का पेपर नहीं है प्लॉट का, जो किसान कोटे का प्लॉट है। इससे पहले भी आपके पास नक्शा 11 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नक्शा 11 से हम पूरा ब्यौरा लगा सकते हैं कि इनको कितना इनकी जमीन गई है, कितना इनको मुआवजा मिला, उसके आधार पे कितना इनका प्लॉट बनता है। ये चीज आपको नक्शा 11 में देखनी है। ये खाली बस यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, इसका मतलब ग्रेटर नोएडा, नोएडा से कोई नहीं है। आपको बस नक्शा 11 पे अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलेंगे, और यमुना एक्सप्रेसवे पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहां पे नक्शा 11 जो है होना बहुत जरूरी है। और इसमें हम पता लगा सकते हैं कि वो पुश्तैनी किसान है या गैर पुश्तैनी। पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी का मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। जो वहां के मूल निवासी हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्हीं को किसान कोटे के प्लॉट मिलेंगे। अभी जो गैर पुश्तैनी है, यानी कि जिन्होंने आके कभी, जैसे पहले पता चला था कि एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इस तरीके का प्रोजेक्ट वहां पे आ रहा है, तो काफी लोगों ने जाके वहां पे जमीन परचेज कर ली, तो कुछ लोग उनके भी प्लॉट जो है वो सेल कर देते हैं, वो आते हैं गैर पुश्तैनी में। उनको अभी तक कोर्ट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं हुआ है कि इनको प्लॉट मिलेंगे, क्लियर नहीं हुआ है, उनको गैर पुश्तैनी प्लॉट मिला
बोला जाता है, तो वो प्लॉट आप ना लें, उसमें हो सकता है कि आप फंस जाएं, कल को उन्हें प्लॉट ही नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज को भी देखें कि वो पुश्तैनी है गैर पुश्तैनी है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी एक्स वाई जेड नाम है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, तो इनके नीचे लिखा होगा मूल निवासी या ग्राम निवासी इस तरीके से। अगर वो बाहर के हैं तो वहां पे कुछ और होगा, उनका एड्रेस होगा या किसी तरीके से और लिखा होगा, बाकी ग्राम निवासी, मूल निवासी या इस तरीके से वो नक्शा 11 में होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं, इस पे लिखा भी होता है नक्शा 11। सेकंड, इसके बाद एक और पेपर आता है, इसके बाद हम बात करें तो नक्शा 11 के बाद कुछ जगह पे आपको लिस्ट, एक लिस्ट जारी होती है अथॉरिटी की तरफ से कि ये लिस्ट है इन इन लोगों की, इन इनको प्लॉट जो है इतने मीटर का ये मिलेगा। मगर लिस्ट से पहले भी नक्शा 11 जरूर चेक करना है, खाली आप लिस्ट पे भी ना रहे, क्योंकि लिस्ट में कुछ लोग एडिट वगैरह करके प्लॉट बन तो रहा है 100 मीटर 150 मीटर इस तरीके से, मगर उसको 300 मीटर 400 मीटर अगर कर देंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कितनी जमीन गई थी, कितना इनको मिलेगा, वो क्लियर होगा नक्शा 11 में। इस तरीके की लिस्ट होगी जिसमें यहाँ पे लोगों के नाम होंगे, उनका ग्राम निवासी, जैसे ग्राम निवासी ग्राम इस तरीके से जो नक्शा 11 में होता है वो होगा, इनका कितनी जमीन है, कितना रकबा है और कितना इनको प्लॉट मिलेगा, ये सब इसमें मेंशन होता है। ये सेकंड इनकी लिस्ट होती है, तो आप पहले चेक करेंगे नक्शा 11। कुछ जगह पे हो सकता है अभी लिस्ट ना हो, ऐसे आप जोड़ ना लगाएं कि नहीं नहीं उसकी भी लिस्ट जी हमें लिस्ट दो या इस तरीके से है। अगर लिस्ट बन गई है तो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ये अथॉरिटी से चेक होती है, आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं खुद भी आप अथॉरिटी से पता कर सकते हैं कि इनकी लिस्ट है या नहीं है, किस तरीके से, वो आप चेक करें, क्योंकि नई लोगों को पता होता है कि क्या लिस्ट होती है, क्या नक्शा 11 होता है, बयाना करने के बाद तक भी, लिखाई के टाइम तक भी नहीं पता होता है, उसके बाद होती है ये रजिस्ट्रार ऑफिस से एक सर्च रिपोर्ट, जिसको 12 साला भी बोला जाता है, सर्च रिपोर्ट भी बोल देते हैं। इसमें पूरा ब्यौरा होता है कि ये किस एडवोकेट के द्वारा निकाली गई है और किस खसरे में कितनी जमीन इनकी गई है, जिसके हिसाब पे उनको 7% का कितना प्लॉट मिलेगा, किस जगह का प्लॉट है और किन कितने इसमें नाम है, पूरा ब्यौरा इसमें होता है। और यहाँ पे रजिस्ट्रार की मोहर वगैरह, साइन वगैरह सारा कुछ होता है, इसमें दिखता है कि आप ये पहले किसान जो है ये वाला प्लॉट एग्रीमेंट पे किसी और के नाम तो नहीं सेल कर चुके, जैसे लोग कहते हैं ना जी उसने कितनी बार बेचा है कैसे पता चलेगा, तो वो आपको सर्च रिपोर्ट से पता चलेगा कि प्लॉट कितनी बार बिका है, किसने खरीदा है, उनके गवाह कौन है, सबके इसमें नाम होंगे अगर ये पहले सेल हुआ है तो। ये जानकारी जो मिलेगी ये आपको सर्च रिपोर्ट से मिलेगी, इसलिए आप जो प्लॉट लें उसकी सर्च रिपोर्ट भी देखें। आप ऑनलाइन भी सर्च रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में है सुरेंद्र जी, जो लोग जानते होंगे या बात हुई है तो वो जानते होंगे, तो वो ये सारा काम जो है ऑफिस से ही कर लेते हैं, सर्च रिपोर्ट वगैरह चेक करना कि पहले प्लॉट सेल हुआ है नहीं हुआ, ये सारी जानकारियां, क्योंकि वो वहां के मूल निवासी हैं, वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं, एक तरीके रामपुर गांव से है सेक्टर 18 में, तो उनको काफी इसके बारे में जानकारी है, तो वो ये सब चीजें ऑफिस में भी चेक कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। एक मैं आपको जानकारी दे दूं, सेक्टर 25 में आपको अलॉटमेंट लेटर देखने के लिए मिलेगा, जहां पे पहले किसानों को अलॉटमेंट लेटर मिल चुके थे, बाकी इसके बाद कहीं भी आपको अभी अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कोई अलॉटमेंट लेटर दिखाते हैं तो वो आप एक तरीके से उसको गलत ही माने, क्योंकि अभी कहीं पे भी अलॉटमेंट लेटर जो है प्रोवाइड नहीं कराए गए किसी और सेक्टर में, सेक्टर 25 के अलावा। इसमें आपको एक और चीज देखनी है जो नक्शा 11 में होती है, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है जो भी गांव का नाम है, चाहे वो कोई भी रामपुर है, मिर्जापुर है, लीलोनी है, कोई भी गाँव, क्योंकि क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ डीलर, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ डीलर बहुत अच्छे से काम करते हैं और कुछ डीलर जो है अपने, उन्हें अपने से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं है कि किसका पैसा किस तरीके से आ रहा है, कैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग सपना देख रहे हैं कि हम अपने लिए घर खरीदे रहने के लिए, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। तो आप इसमें खुद से भी देखें, खुद से आप पूरी जानकारी करें, क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, देखिए ये 10-20 रुपए की, हजार की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लाखों में ये प्रॉपर्टी होती है, तो आपको भी कुछ अपने से करना है, डीलर पे पूरा विश्वास नहीं करना है आंख बंद करके। तो आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे गांव लिखा हुआ है, सेक्टर पे नहीं जाना है, गांव कौन सा लिखा हुआ है, फिर आपको मैप में देखना है कि वो कौन से गांव है जो वो किस सेक्टर में आता है, क्योंकि कुछ डीलर करते हैं कि वो गांव तो आता है सेक्टर 24 में, सेक्टर 22 में, सेक्टर 23 में, सेक्टर 16 में, सेक्टर 15 में, मगर बता देंगे सेक्टर 18 में, क्योंकि सेक्टर 18 सेक्टर 20 एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है यमुना अथॉरिटी के, क्योंकि वहां पे रेजिडेंशियल अथॉरिटी के बड़े साइज के प्लॉट है, 300 मीटर 500 मीटर 1000 2000 4000 इस तरीके से साइज है, तो वो एक पॉपुलर जगह है, तो वहां की डिमांड अलग है, और सेक्टर 16 सेक्टर 15 सेक्टर 22
या आपका सेक्टर 23, इनकी डिमांड एक अलग है, ये अभी इतनी डिमांड पे नहीं, यहाँ के रेट बहुत कम है। तो कुछ डीलर करते हैं कि वहां के प्लॉटों को सेक्टर 18 20 के बता के और उसी रेट में सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज पे भी आप ध्यान रखें पूरा। और ये आप देख लें कि वो पुश्तैनी है गैर पुश्तैनी है, ये सर्च रिपोर्ट में भी आपको दिखेगा। अगर नक्शा 11 भी चेक करेंगे फिर उसके बाद सर्च रिपोर्ट आप चेक करेंगे तो इसमें पूरा नाम आ जाएगा कि वो किसान कहां से है, कहां के रहने वाले हैं, कहां उनकी जमीन थी, किस तरीके से, वो पूरा ब्यौरा जो है वो सर्च रिपोर्ट में भी आ जाएगा। तो ये सब पेपर आप अच्छे से चेक करें तभी आप ये प्रॉपर्टी खरीदे, नहीं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है अगर आप ये पेपर अच्छे से नहीं चेक कर सकते हैं। और वो दोनों बातें मैंने बता दी है कि लोकल डीलर का ध्यान रखें या पर्सनली आप किसान को जानते हैं, अगर किसान को जानते हैं तो फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड है। उसके बाद भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया है, मैं भी मानता हूं आज का रेट जो है बहुत कम है, रेट भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इन सेक्टरों में जाते हैं जो बढ़िया सेक्टर है, 15-16-17 के आसपास, 1000 रुपए मीटर के आसपास का रेट है, और आने वाले टाइम में चाहे साल, एक साल बाद, डेढ़ साल बाद, दो साल बाद, किसी सेक्टर की 3 साल बाद, जो भी सेक्टर है दूर है, चाहे सेक्टर रजिस्ट्री होगी, तो वहां पे 45-50 हजार रुपए मीटर का आप रेट देखेंगे जिस टाइम पे रजिस्ट्री होगी। ये सच्चाई है, क्योंकि वहां पे आपको 12 मीटर के रोड ही, इस तरीके के जो जनरल रोड है वो 12 मीटर या कोई बाहर के सर्कल रोड है 18 मीटर इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, तो उनकी डिमांड काफी रहेगी, क्योंकि एक अच्छी जगह है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में, फिल्म सिटी के पास में, इंडस्ट्रियल एरिया के पास में ये प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इनकी डिमांड जो काफी ज्यादा रहेगी आने वाले टाइम में। तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए है, मगर आपको ये सब चीजें जो है, जो मैंने वीडियो में बताई, ये सब चीजें आप ही को देखनी होगी। तो यही जानकारी देनी थी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर प्रोवाइड कराया गया है इस पे आप कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे इस तरीके के प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।